मंगलवार को झांसी के मऊरानीपुर में आयोजित हुए तहसील समाधान दिवस में पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला, जहां फरियाद के लिए आई एक विकलांग महिला को कुछ महिला सिपाहियों द्वारा सहारा दिया गया, जिसका वीडियो वहां खड़े पत्रकारों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। दरअसल मामला मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम भकूरा का है, जहां की रहने वाली एक विकलांग महिला मंगलवार को मऊरानीपुर में आयोजित हुए तहसील समाधान दिवस में पहुंची, जहां उसने शिकायत करते हुए बताया उसने गांव के एक सचिव के पास कुछ पैसे जमा करने के लिए दिए गए थे, लेकिन अब वो उसके पैसे नहीं लौटा रहा, जिसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से करते हुए कार्रवाई करने की मांग की गई। विकलांग महिला को आता देख वहां खड़ी महिला सिपाहियों ने तुरंत सहारा देते हुए अपने कंधों पर उसे सकुशल बाहर खड़े वाहन तक लाया। उक्त पूरी घटना वहां पर मौजूद लोगों द्वारा अपने कैमरे में कैद कर ली, जिसके बाद महिला सिपाहियों की काफी प्रशंसा की जा रही है। विजय सोनी, झांसी। अम्मा, क्या नाम आपका? लाड़कुआ। किस गांव से आई आप? भकोरे से। क्या समस्या थी आपकी? हमारी जगन ने पैसा खा लिया, नहीं दिया। 50,000 हमारे नाम है, 50 हमारे घर वाले। किस बात के पैसे खाए? अच्छा, हमने करे थे सब जमा, तो 10-12 साल हो गया। किस बात के पैसे जमा किए थे आपने? हमने पैसे, हमने अपना मकान बेचो तो हमने कही अपने आगे की सुरक्षा के लिए करें, अब भी दे नहीं रहे। जगन कौन है जी? कुशवाहा। क्या करता है? वो सचिव है। तो सचिव के पास जमा किए थे पैसे आपने? हाँ। तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहा हूँ हमारे पास नहीं है। आप उनसे अभी आप मिली उनसे? और हाँ, तो रोज मिलते हैं। हमने कहा कल परसों कही हमने, भैया हमें 2,000 दे दो, 5,000 दे दो ये इलाज के लिए। हमारे घर वाले को बीमारी हो गई, हम भी रखे, हमारे लड़का का पांव टूट गया 3 जगह से। इससे पहले शिकायत की आपने और कहीं? नहीं। अभी आप किससे शिकायत करने आई थी? यही आई। क्या कहा उन लोगों ने आपसे? हमें तो पता नहीं है। अधिकारी ने आपसे प्रार्थना पत्र लिया? घर वाले को भी जो पता चल रहा है।